तो गाइज आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी क्रेटा 2020 डीजल जो मेरे पास है उसका मैं एयर फिल्टर और एसी फिल्टर कैसे रिप्लेस करता हूँ। तो पहले तो यार मैं देख लेता हूँ अभी जो कंडीशन है वो कैसी है, बाकी पार्ट्स तो मैंने ला के रखे हुए हैं। तो पहले गाड़ी का बोनट खोल लेते हैं। गाड़ी खोल दी है, ये रहा बोनट का जो अपना स्विच है। अपन पहले ये जो एसी फिल्टर एयर फिल्टर है उनको साइड कर लेते हैं और अब बोनट खोलने के लिए गाइस जिन लोगों को नहीं पता यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है ये हुक होता है, इसको आपको सिंपली प्रेस करना है लेफ्ट साइड की तरफ। और ये बोनट उड़ जाएगा। तो गाइस जो एसी फिल्टर है, अरे जो गाइस जो एयर फिल्टर है उसको बदलना क्रेटा में बहुत ही आसान प्रोसीजर है। ये आप हुक देख पा रहे हैं, इसको खाली यहाँ से निकालना है और दूसरा हुक जो है दैट्स इट, जो असेंबली है खुल गई है। तो अभी यार ये हाल कुछ ऐसा है एयर फिल्टर का, यहाँ से तो सही लग रहा है, एक बार थोड़ा सा ओ भाई नीचे से देखिए भाई, मतलब ये एयर फिल्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो गाइज़ ये रहा एयर अपना गाड़ी का एयर फिल्टर, 336 MRP है, मैंने Hyundai से खुद ख़रीदा है, जस्ट मैं अभी ख़रीद के ही आ रहा हूँ। न्यू एयर फिल्टर है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें अपन को पता कैसे चलेगा कौन सी साइड सही है और कौन सी साइड गलत है? तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड जो ये डिज़ाइन दिख रही है ना, ये नीचे की साइड आने वाला है, ये जो कोम जैसी डिज़ाइन है ये नीचे की तरफ आने वाली है। तो ये इतना सिंपल है और आपको बस शेप देखना है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ एक एज दिया हुआ है, ये जो एज है उस हिसाब से अपने एयर फिल्टर को अलाइन कर लीजिए और सिंपली इसको फिट कर लीजिए। ये हो गया अपना एयर फिल्टर फिट। अभी इसको लगाने का जो ट्रिकी पार्ट है वो आप देख सकते हैं कि ये जो दो हुक दिख रहे हैं इनको अपने खांचों में पहले डालना है हमें। ये हो जाए, आप देख सकते हैं पूरा बॉक्स फिट हो गए हैं। ये पहला हुक, ये दूसरा हुक, एयर फिल्टर हमने सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। पुराना एयर फिल्टर ये रहा, देख सकते हैं कितना गंदा हो गया। अब बात आती है एसी फिल्टर की। तो एसी फिल्टर के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये भी ख़राब तो हो ही गया होगा। तो ये जो ग्लव बॉक्स अगर आप खोलेंगे और आप देखेंगे ये दोनों साइड यहाँ पे जो दो आपको ये दिख रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं पुश बैक करना है और आपका ग्लव बॉक्स बाहर आ जाएगा। ये ग्लव बॉक्स गिर गया यार मेरे से, शिट, कोई बात नहीं। अभी इसको खोलने के लिए ये एसी फिल्टर का जो है पूरा असेंबली है, यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, सिंपली ये निकल जाएगा। और ये जो वाइट कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये एसी फिल्टर है। तो ये रहा अपना एसी फिल्टर, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो इसको अब यूज़ करना मतलब एसी पे लोड बढ़ जाएगा। तो ये जो बेसिक सर्विस है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये नया एसी फिल्टर है, MRP इज़ 449। और इसको फिट करना मतलब इज़ अ पीस ऑफ केक अगर आप ग्लव बॉक्स खुद खोल लेते हैं तो। गाइस ये देखिए कितना फ़र्क है नए और पुराने में। तो अब इसको फिट करना इज़ वेरी इजी। आप देख सकते हैं Hyundai का जो मार्किंग है Hyundai और किया का, उसको सिंपली हमें ये बॉक्स में डालना है। मैं एक्चुअली फ़ोन पकड़ने के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे फिक्स कर देता हूँ, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। देख लीजिए एकदम परफेक्टली फिट कर लिया है हमने। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये जो हुक है इसे ये यहाँ फंसाना है और इसको यहाँ पर।
एसी फिल्टर इज ऑल सेट। ग्लव बॉक्स फिट करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो दो हुक्स दिख रहे हैं आपको, इसे यहाँ पे आपको प्लेस करना है। एंड ग्लव बॉक्स फिट हो चुका है। अब इसके अंदर का सामान मैं डाल देता हूँ। ये था मेरा एक वीडियो जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि एयर फिल्टर एसी फिल्टर एकदम इजी चीज़ें हैं गाड़ियों में फिट करने के लिए। अगर आपका फ्री सर्विसेज ओवर भी हो जाती है तो आप ये खुद से कर सकते हैं। एंड वेरी सिंपल प्रोसेस दिस इज़। ये देख लीजिए, ये दोनों बॉक्सेस है, NMRP इसमें लिखी हुई है, और ये दोनों एयर फिल्टर एसी फिल्टर मैंने जो निकाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।